अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी ओ बी एस सी एस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे CS 304 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले आपको हेडिंग दी गई है, इन्फॉर्मेशन हेडिंग, इनकैप्सुलेशन, इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन, सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन और मैसेज। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास हेडिंग है इन्फॉर्मेशन हेडिंग। इन्फॉर्मेशन हेडिंग क्या होती है? तो ये कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन हेडिंग जो है वो ऊप का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। किस तरीके से कि इसमें जो होती है ऑल द इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू ऑल पर्सन। ठीक है, जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास हर पर्सन के पास मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो वो किसके पास होती है? प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शुड ओनली बी एक्सेसिबल टू इस ऑनर। ठीक है, जो उसकी प्राइवेट जो जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके ऑनर के पास होती है। ठीक है, ऑफिसर के पास जो इन्फॉर्मेशन हमें बतानी होती है वो हम उसको बताते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन हमसे हट कर लेते हैं। ठीक है, हम सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन शो करते हैं आउटसाइडर वर्ल्ड को, यानी आउटसाइडर बनने को, जो हमें जो उस बंदे के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ठीक है, एंड हाइडिंग ऑल अदर डिटेल्स फ्रॉम द आउटसाइडर वर्ल्ड, और सारी डिटेल्स से हाइड करते हैं, सिर्फ वही शो करते हैं जो उसके लिए ज़रूरी हो। ठीक है, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का मकसद होता है। ठीक है, अब आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देना है इसकी इन्फॉर्मेशन हाइडिंग में क्या है। ठीक है, ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एक बंदा अली है, अली नेम्स अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके दिमाग में छुपी हुई है। ठीक है, अब हम उसके दिमाग को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें उसके दिमाग की सारी चीज़ें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम उससे बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो हमें अगर नॉलेज शेयर करे तो करे। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ईमेल का सर्वर। ठीक है, ईमेल के सर्वर के पास हज़ारों लाखों करोड़ों के बंदों की ईमेल्स होती है, मौजूद होती है। ठीक है, अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, अब लेकिन क्या वो हमारा अकाउंट एक्सेस कर रहा होता है? हम सिर्फ अपना अकाउंट दे सकते हैं, औरों का नहीं। अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई औरों का अकाउंट भी हमें दिखाओ, वो हमें रिफ्यूज़ कर देगा। तो ये आपको एग्जाम्पल दी गई है कि जितना डाटा हमें देना होता है हम देते हैं, बाकी हम नहीं देते हैं। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन हाइडिंग है, यानी हम मेन इन्फॉर्मेशन जो है अपने पास रखते हैं, सिर्फ ज़रूरत के साथ इस इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल आपको क्या है? आप एक सिम कार्ड है। ठीक है, सिम कार्ड के अंदर आपका 100-200 बंदों के आपके कॉन्टैक्ट होते हैं। ठीक है, अब आप उसको पढ़ नहीं सकते, कार्ड को देख भी नहीं पढ़ सकते। अगर आप तक मोबाइल में डालेंगे, समझाएंगे, आपको शो नहीं करेगा, तो आपको शो नहीं करेगा, तब आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने में सकते आप वो आपको दिखा रहे तो आप शो कर रहे हैं, तो आप दिखा रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कॉन्टेंट है। ठीक है, तो आपको तीसरी तरफ दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से वो बोलने के वी कैन से डेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्मेशन हेडिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमारे जो ऊप है वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्मेशन हेडिंग। ठीक है, कह रहे हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन्फॉर्मेशन हेडिंग इज हाइडिंग द ऑब्जेक्ट डिटेल गेट इन बिहेवियर फ्रॉम द यूजर। ठीक है, हाइडिंग क्या? हाइडिंग करते हैं ऑब्जेक्ट डिटेल्स, उसका स्टेट और बिहेवियर। उसका स्टेट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है फ्रॉम द यूजर से। ठीक है, तो ये सिंपल इसको बताया गया। आगे चल, अब वो ये कह रहे हैं कि एडवांटेज क्या है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का। वो कह रहे हैं फॉलोइंग आर द टू मेजर एडवांटेज ऑफ इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसके। पहला क्या है? इट सिंप्लीफाई आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो वही कह रहा है कि हमारा जो ऊप का मॉडल है वो हमारे लिए कब सिंप्लीफाई कर देता है। किस तरीके से? वो कह रहे हैं कि हम जैसे कि पहले पढ़ के आए थे, ठीक है, कि हमारा जो फिजिकल ऑब्जेक्ट था उनको पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो उस तरीके से हमारा काफ़ी चीज़ आसान हो जाएगा थी। ठीक है, यानी एक पिक्चर के पीछे 100 इन्फॉर्मेशन छुपी होती थी। ठीक है, एक पिक्चर को देखकर बहुत सारी कहानी पैदा हो सकती है। तो वो एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है। ठीक है, तो हमारे लिए एक आसान हो जाता है कि एवरीवन, यानी हर किसी को समझाने के लिए हमारे लिए पिक्चर की रिप्रेजेंटेशन करना आसान हो जाती है। तो यहाँ पर ये बताया गया, ठीक है, इट इज़ ईजियर फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है, आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं इट इज़ अ बैरियर अगेंस्ट चेंज प्रोपगेशन। ठीक है, वो कह रहे हैं एक बैरियर बनता है हमारे लिए, यानी एक रुकावट बनता है अगेंस्ट चेंज प्रोपगेशन, अगर कुछ चेंज करें। ठीक है, ठीक है, कैसे? वो कह रहे हैं एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन इज लिमिटेड। ठीक है, अब हम इसे लिमिटेड चीज़ बताते हैं। ठीक है, तो वी हैव ओनली गिवन द नेम ऑफ फंक्शन टू यूजर ऑनलाइन। ठीक है, तो हमने सिर्फ कुछ ही फंक्शन से हमने बताया होगा। ठीक है, तो अगर वो कह रहे हैं अगर हम प्रोग्राम को चेंज करते हैं फंक्शन डिज नॉट अफेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन इट मॉडल। ठीक है, तो हमारे मॉडल पर इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बता रहा है हमारे पास एक बैरियर के तौर पर साबित होता है हमारे पास। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। कॉन्क्लूजन क्या हुआ इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का? भाई ये कि इन्फॉर्मेशन हाइडिंग में ये होता है कि हम कोई भी बंदे को अगली बार बताते हैं तो टू दी पॉइंट बताते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो ये हो गया हमारी इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, ताकि हमारे बुरे वक्त के लिए भी आगे काम है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है हमारे, एक तो गुफ्तगू को भी सिंप्लीफाई करता है। अगर उसके आम लाइफ में देखा जाए तो मॉडल के तौर पर देखा जाए तो क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को सिंप्लीफाई करता है, और क्या बैरियर शामिल होता है, यानी अगर बुरा वक्त आए कोई बक्स वगैरह उसके अंदर सामने हो तो हमारे लिए उसको आसान होता है सिंप्लीफाई करने के। ठीक है, तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन हेडिंग है। अगली हेडिंग हमारे पास इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होती है हमारे पास? इनकैप्सुलेशन वो कह रहा है मींस वी हैव इनक्लोज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसमें छुपी होती हैं, तो वो हमारा इनकैप्सुलेशन क्या होता है किस तरीके से देखते हैं। एक डाटा अगर प्रोग्राम में उसका डाटा होता है, इंसान के अंदर एक बिहेवियर होता है। ठीक है, आज टाइटली
कपल्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो उसके अंदर ही होती है, ठीक है, तो वो जो उसके अंदर छुपी होती है तो वो आउटसाइडर वर्ल्ड को दिखाई नहीं दे रही होती है, ठीक है, तो वही कह रहा है कि डिटेल्स ऑफ दिस ऑपरेशन आर हिडन फ्रॉम द आउटसाइडर वर्ल्ड, ठीक है, तो वो दिखाई नहीं दी होती है। इनकैप्सुलेशन क्या होती है, हमारे अंदर की चीज़ें होती है वो हमारे बाहर को दिखाई नहीं दे रही होती, तो वो हमारा होगा इनकैप्सुलेशन। एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वो आपको कह रहा है कि सेम एग्जाम्पल हम देखते हैं पीछे, तो हम अली के एग्जाम्पल लेके आए थे, हम उसको देखते हैं, उसमें उसमें कह रहा है वो, उसमें ये कह रहा है आपको देखें, अली था उसका एक कैरेक्टरिस्टिक थी, एट्रीब्यूट था, ठीक है, बिहेवियर था उसको, ऑपरेशन थे, नेम, एज, पॉल्स, ईट, ठीक है, तो इसमें वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने देखा था कि अली की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो अपने अंदर वो स्टोर कर रहा था, ठीक है, उसकी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, ठीक है, अब अली की मर्जी के वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर जो है वो बाहर शेयर करना चाहे या नहीं, ये उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब अली को अगर वॉकिंग करनी है तो विदाउट उसके परमिशन के वो नहीं कर सकते, मतलब वही कर सकता है, हम नहीं कर सकते वॉकिंग करो, वो उसकी मर्जी है, ठीक है, तो ये तरीके से आपको एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। तो वो कहने का चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है इन शॉर्ट के, सो वी कैन से दैट एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ऑफ अली आर इनकैप्सुलेट इन इट, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है, एट्रीब्यूट्स है, वो क्या है, इनकैप्सुलेट इन इट, तो उसके अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो आपके होगी इनकैप्सुलेटेड, यानी इनकैप्सुलेशन, ठीक है, तो ये आपको बताया गया, ठीक है। तो एनी अदर ऑब्जेक्ट डोंट नो अबाउट दिस थिंग अनलेस अली शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद दैट ऑब्जेक्ट थ्रू एन इंटरप्रेटर, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है अली के अंदर है वो अंजलि के अंदर ही रहे, जब तक कि वो चाहे नहीं शेयर करना आउटसाइडर वर्ल्ड को, तो वो शेयर वक्त उस बंदे तक नहीं पहुंच सकती, तो ये बताया गया इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से भी कॉन्सेप्ट हमारे फोन के आते हैं, इसमें बताया गया कि फोन के अंदर जो है हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो करता है जो हमें जो हमारे लिए फायदेमंद होती है, ठीक है। तो आगे इसके दिए गए एडवांटेज ऑफ इनकैप्सुलेशन, ठीक है, एडवांटेज क्या होता है इनकैप्सुलेशन के, पॉइंट दिया गया है सिंपलिसिटी एंड क्लैरिटी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑल द डेटा एंड फंक्शन आर स्टोर इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑल डेटा फंक्शन एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है, ठीक है, तो सो देयर इज नो डेटा और फंक्शन, ठीक है, और इन द प्रोग्राम, तो इस तरीके से हमें काफ़ी आसानी हो जाती है टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ इस डेटा मेंबर एंड फंक्शन इन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि हमें पता होता है इस डेटा मेंबर का काम क्या है और इस फंक्शन के अंदर इस ऑब्जेक्ट का फंक्शन उसका काम क्या है, ठीक है, तो हमने ग्रुप बनाया होता है, हम उस तरीके से काफ़ी आसानी हो जाती है सिंपलिसिटी एंड क्लैरिटी। अब बी पॉइंट है लो प्लेक्सिसिटी, तो इसमें कह रहे हैं कि है डेटा मेंबर फंक्शन हिडन इन ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमारा कोई भी जो फंक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर हिडन होता है, ठीक है, तो हमारे लिए काफ़ी आसानी होती है कि उसका स्पेसिफिक बिहेवियर होता है, हमें पता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये है, ठीक है, तो लेस कम्प्लेक्सिटी होती है इसके अंदर, ठीक है, कोड के अंदर। तो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा पॉसिबिलिटी पैदा ही नहीं हो सकती कि अदर फंक्शन दूसरा फंक्शन यूज़ कर रहा हो, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास लो कम्प्लेक्सिटी हो जाती है कोडिंग के अंदर, यानी कि ग्रुप बना होता है इसका ना पता है इसका ये चीज़ होगी और इसके अंदर ये चीज़ होगी, ठीक है, काफ़ी हमारे लिए आसान हो जाता है। अब सी में कह रहा है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एवरी वन विल बी अनेबल टू अंडरस्टैंड होल सिनेरियो, ठीक है, एक पिक्चर को देख के आप पूरा उसका अंदाजा लगा सकते हैं, इसी वजह से यहाँ बताया गया हम उसको ऑब्जेक्ट को देखकर पूरा सिनेरियो का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, लुक टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ डायग्राम, ठीक है, विदाउट एनी इशू, ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट का एक अलग रोल होता है, ठीक है, एन स्पेसिफिक रिलेशन विद अदर ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट का अदर ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन होता है स्पेसिफिक, ठीक है। अब आगे दे रहे हैं इंटरफेस, देखते हैं इंटरफेस क्या है, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि इंटरफेरेंस इज अ सेट ऑफ फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फंक्शन का सेट होता है, फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का सेट होता है दैट यू वांट टू एक्सपोज टू अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको एक्सपोज कर उसको दिखाता है, ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा था प्रीवियसली क्या डेटा एंड बिहेवियर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज हिडन इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक हमारे बिहेवियर हमारे कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट के अंदर हिडन होता है, ठीक है, तो वी हैव टू यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस टू शो द आउटर वर्ल्ड, ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट चाहिए इंटरफेरेंस का ताकि हम उसे दिखा सकें यूजर को, ठीक है, तो एक्सपोज इज बिहेवियर टू आउटर वर्ल्ड, ठीक है, आउटर वर्ल्ड को उसका बिहेवियर दिखा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। वह कह रहे हैं इंटरफेरेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है क्यों फॉर ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन के लिए, हमें बातचीत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि वही कह रहे हैं ईच ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स इंटरफेरेंस ऑपरेशन, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट जो है अपना इंटरफेरेंस शो करता है टू अदर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो इंटरफेरेंस के हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन विद दिस ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब इसकी अब इसकी एग्जाम्पल दी गई इंटरफेरेंस ऑफ अ कार, अब रियल लाइफ के एग्जाम्पल दिए इंटरफेरेंस कार के इंटरफेरेंस क्या होता है, अगर देखा जाए तो नॉन लिविंग थिंग्स का भी इंटरफेरेंस होता है, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ कार क्या होगा, स्टीयरिंग व्हील्स हो गया, उसके व्हील्स हो गया, ठीक है, उसका एक्सीलेटर हो गया, उसका चेन गियर हो गया, उसका अप्लाई प्रेस हो गया, उसका टर्न लाइट ऑन ऑफ हो गया, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो क्या हो गया हमारे इंटरफेस हो गया कार का। अब आगे वो कह रहा है एग्जाम्पल इंटरफेस ऑफ अ फोन, अब फोन का इंटरफेस क्या होगा, ठीक है, अब वो कह रहा है उसका इनपुट नंबर्स होंगे, ठीक है, प्लेस सेल्स होगा, डिस्कनेक्ट कॉल होंगे, ऐड फोन नंबर टू द एड्रेस बुक, रिमूव नंबर, अपडेट नंबर, डाउनलोड एप्लीकेशन वगैरह, तो इस तरीके से उसका इंटरफेरेंस है फोन का, ठीक है। भैया आपको यहाँ बताया कि इंटरफेरेंस यानी कोई भी चीज़ जो आपके बैकअप में अगर एक ऐप यूज़ कर उसके पीछे कोडिंग हुई है, कोडिंग के लिए इंटरफेरेंस भी चाहिए ना, कोई आपको शो कर रहा है चला सके, तो इंटरफेरेंस आपको एक चीज़ शो करता है, ठीक है, ये हो गया आपका इंटरफेरेंस। आपका इंप्लीमेंटेशन, हमने ये देख लिया कुछ शो कर लिया, हमें उसको अमल करना है, इंप्लीमेंटेशन भी करना है, ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से होता है। इंप्लीमेंटेशन के दो पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तो होता है हमारा इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, तो होल्ड एन ऑब्जेक्ट, तो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, विल बी हिडन फ्रॉम यूजर, तो आउटसाइड वर्ल्ड से हिडन होता है, एक तो हमारा ये होगा, ठीक है। एक होता है हमारा
फंक्शन भी, फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन के तौर पर टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड बिहेवियर, जो कि बिहेवियर को बता रहा होता है, ठीक है। अब आगे वो कह रहे हैं एग्जाम्पल डी भी आपको समझने के लिए, एग्जाम्पल इंप्लीमेंटेशन की क्या होती है। अब गियर बॉक्स इन अ कार, अब वो कार के एग्जाम्पल दे रहे हैं उसका जो गियर होता है, ठीक है, ठीक है। अब गियर सिस्टम है कार के अंदर, तो वो कह रहे हैं इसके दो चीज़ें हो सकती है, तो वैन दिस ऑब्जेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेशन इट हैव टू थिंग्स, ठीक है। अब दो चीज़ें इस पर अमल होंगी, एक तो है फिजिकली स्ट्रक्चर ऑफ द गियर बॉक्स, ठीक है, फिजिकली गियर कैसे तो ही होगी, और फिर एक फंक्शनली इंप्लीमेंटेशन क्या होगी, इन स्ट्रक्चर टू चेंज गियर, यानी गियर का इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा इसकी फंक्शनली इंप्लीमेंटेशन होगी इसकी, ठीक है। तो बोथ टू थिंग्स आर पार्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्या होगी इंप्लीमेंटेशन का पार्ट होगी, ठीक है। वो कह रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ गियर बॉक्स, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर होगा मैकेनिकल स्ट्रक्चर, वो क्या होगा आपका डेटा स्ट्रक्चर हो गया, और फंक्शनलिटी क्या होगी आपके पास मैकेनिज्म टू चेंज, अब वो गियर को चेंज करें तो क्या होगा उसका फंक्शन होगा, एक फंक्शनलिटी होगी इसकी, ठीक है, ये हो गया। अब एड्रेस बुक इन फॉर एग्जाम्पल दिए उसमें, वो कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है हमारे मोबाइल के अंदर सिम फोन के अंदर, यानी मोबाइल के फोन के अंदर सिम कार्ड के अंदर हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह होती है हमारे पास, तो क्या होगा फिजिकली हमारे पास क्या होगा डाटा स्ट्रक्चर होगी सिम, ये सिम के अंदर कॉन्टैक्ट मौजूद है और हम उसको सेलफोन में लगाएं फिर वो शो करते क्या हो गया विद ऑपरेशन प्रोवाइड बेटर फिनेस फंक्शन, तो ये हमारा हो गया फंक्शन, सिंपल आपको ये बताया गया। अब सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इंप्लीमेंटेशन क्या होती है, अब वो कह रहे हैं कि भाई सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड मतलब उसका फायदा क्या होता है, इंटरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, हमारे पास फायदा होता है इंटरफेस में कि हम बाहर जो है यानी आउटसाइड वर्ल्ड का वो चीज़ दिखाते जो हमें दिखानी होती है, बाकी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो हम हट करके रखते हैं, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस अप्रोच, वो कह रहे हैं कि इस अप्रोच का फायदा यह है कि आवर ऑब्जेक्ट इंटरफेरेंस टू आउटसाइड वर्ल्ड बिकम इंडिपेंडेंट, ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड से आउटसाइड से, ठीक है, बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनसाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटरफेरेंस, ठीक है, जो भी हमने काम किया होता है वो इंटरफेरेंस के उसके अंदर होता है, ठीक है, जो हमने भाव शो किया होता है वो मुनासिब होती होती है, तो हमारे इसलिए इतना मसला नहीं होता, तो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो वो कह रहे हैं दिस इज अचीव थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड इन्फॉर्मेशन हेडिंग, तो ये हमारा जितना भी कॉन्क्लूजन आया वो हमारा किसके बनाते हैं इनकैप्सुलेशन इन्फॉर्मेशन हेडिंग के बनाते हैं हमारे, ठीक है। कहने का लेयर रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन ऑफ इंटरफेरेंस एंड इंप्लीमेंटेशन, तो इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, कह रहे हैं एक ड्राइवर हैज़ अ स्टैंडर्ड इंटरफेरेंस, उसका अपना एक स्टैंडर्ड इंटरफेरेंस, ठीक है, टू ड्राइव अ कार, अपनी मर्जी से वो कार चला सकता है, ठीक है, उसका एक अपना इंटरफेरेंस है, देखो वो कह रहा है कि ही कैन ड्राइव फास्ट, उसकी मर्जी वो तेज कार चला है, ठीक है, एंड कार रिगार्डलेस ऑफ हिज मॉडल, उसकी मर्जी है कि वो अपनी पसंद की मॉडल की कार चलाए, ठीक है, वो कहीं भी चाहे कहीं भी कार चलाए, ठीक है, मैंने और वो कह रहे हैं कि इसके इंजन है उसकी मर्जी कौन सा जैसे सवाल करें, ठीक है, इट हैज़ और वट एवर टाइप ऑफ फ्यूल इट इज यूजिंग, उसकी मर्जी है वो CNG यूज़ कर रहा है, पेट्रोल यूज़ कर रहा है, कोई भी फ्यूल यूज़ कर रहा है, वो उसकी मर्जी भी होता है, ठीक है। तो ये आपको सेपरेशन ऑफ इंटरफेरेंस एंड इंप्लीमेंटेशन ये बताया गया इसके अंदर, ठीक है। तो अब आगे आपके पास हेडिंग है मैसेज, तो ये है आपकी लास्ट हेडिंग है मैसेज, यहाँ पे उसको काफ़ी अच्छी रैम आपको दी गई है, तो वो कह रहे हैं मैसेज जो है खत है, ठीक है, खत के ऊपर जो है उसको मिलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है, यानी खत के ऊपर लिखा होता है कि आपने यहाँ लगाना है, आपका एड्रेस या हम इसको दे रहे हैं, ये क्या होगा आपका इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस बता रहा है कि इस खत के अंदर क्या हो सकता है, ठीक है। अब आप ऊपर लिखा होगा भाई फला फला बंदे का शायद इन्विटेशन है, तो क्या हो गया इंटरफेरेंस हो गया, आपको देख के पता चल गया इसके अंदर क्या हो जाता है, ठीक है, वो खत के अंदर वो क्या है वो प्लेस इन मैसेज है, यानी उसको प्लेस बताया गया उसके खत के अंदर क्या, ठीक है, ठीक है। तो वो खत के अंदर क्या हो गया आपका एक मैसेज होगा, ठीक है, ऊपर क्या होगा इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल दिया आपको एक घेर है, ठीक है, अगर आप गाड़ी का घेर लगा रहे हो तो वो क्या हो गया आपका इंटरफेरेंस हो गया, घेर यानी घेर जो है वो इंटरफेरेंस हो गया, और जब आप इसको अगर लगा रहे हो उसका अमल कर रहे हो वो क्या होगा आपका मैसेज हो गया, यानी अब गाड़ी का मैसेज दे रहे हो कि तुम घेर लाओ आगे चलो, तो क्या होगा एक सिंपल सा एक मैसेज होगा, तो आपको बड़ी एग्जाम्पल रखी दी गई यहाँ पे, सिंपल आपको ये मैसेज बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका CS 304 का लेक्चर नंबर 2 खत्म होता है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर कीजिए, लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।